अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 4 प्लस के अल्फाबेट्स यू और वी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पहले अपने SLOs की तरफ। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक चिल्ड्रन विल बिगिन टू रिकॉग्नाइज लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड्स, अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स एंड पिक्चर्स कैरी मीनिंग्स, लर्न वोकैबुलरी एज साइट वर्ड्स, Think of a variety of objects beginning with a single letter of the alphabet. जी मेरे बच्चों, क्या हाल है आपके? क्या हुआ? हाँ जी, आज treasure box नहीं है, क्योंकि आज तो मेरे पास umbrella है। भला क्यों? क्योंकि जब मैं आ रही थी तो बारिश हो रही थी, इसलिए मैं आज treasure box नहीं आई लेके आई। मुझे था कि वो गीला हो जाएगा, तो अम्मी ने कहा treasure box को छोड़ दो, umbrella ले जाओ ताकि भीगो ना। आपके घर में अम्ब्रेला है? है। कौन सी कलर का? मल्टी कलर का। मेरे पास भी था लेकिन मुझे आज मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं ब्लैक कलर का अम्ब्रेला लाई हूँ। अच्छा, आपको अम्ब्रेला खोलना आता है? अम्ब्रेला खोलते हैं हम ऐसे करके, और यहाँ पे एक बटन होता है, उस बटन को हम प्रेस करते हैं। लेकिन प्रेस करने से पहले एक चीज जहन में रखना, ऐसे करके बिल्कुल प्रेस नहीं करना, वरना खुलेगा तो चोट लग जाएगी और आँख में भी चोट लग सकती है। इसलिए अम्ब्रेला खोलने के लिए हमेशा खाली जगह की तरफ उसको पॉइंट करते हैं, बटन प्रेस करते हैं और अम्ब्रेला हमारी खुल जाती है, और फिर हम अम्ब्रेला के नीचे खड़े हो जाते हैं, हम भीगते भी नहीं हैं। और आपको पता है, जब बारिश ना हो रही हो और सन बहुत ज़्यादा चमक रहा हो, तो हम उससे बचने के लिए भी अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। जी तो ये है अम्ब्रेला। अब मुझे एक और चीज़ बताओ, अम्ब्रेला पकड़ के हम कभी कभी स्टेडियम जाते हैं क्रिकेट का मैच देखने के लिए, और वहाँ पे एक क्रिकेट के मैच में एक आदमी खड़ा होता है जो विकेट्स के पीछे खड़ा होता है, और जब कोई आउट होता है तो अपना हाथ उठा के कहता है आउट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंपायर कहते हैं। वेरी गुड। सारे के सारे किस वर्ड से शुरू हो रहे हैं? यू से। और यू की साउंड है अ। क्या है? अ। अम्ब्रेला गोज अप। अ अ अम्ब्रेला गोज अ अ अप। जबरदस्त। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बुक के पेज में कौन कौन से वर्ड्स हैं और कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। तो हमारे पास है यू से अम्पायर, यू अ अम्पायर, फिर है यू अ अम्ब्रेला, यू अ अम्ब्रेला। फर्क सिर्फ इतना है, हमारा ब्लैक है और ये वाला अम्ब्रेला कलरफुल है। तो टीचर्स आपस में बैठ के, टीचर्स के साथ आप ये डिस्कस कीजिएगा कि कलर्स कौन कौन से हैं और किस किस साउंड से शुरू होते हैं। तो डियर टीचर्स, आप बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताइए, इनकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसके साथ आप यू अ की साउंड के बारे में बच्चों के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स की तरफ। आप पहले पुराने वाले फ्लैश कार्ड यानी साइट वर्ड्स बच्चों की रीइन्फोर्समेंट करवाइएगा, और फिर नए फ्लैश कार्ड्स यानी जो यू वाले वर्ड्स हैं उसको डाल के बच्चों की ड्रिल करवाएं। जी, कैपिटल यू के लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ कर्व करते हुए दोबारा से ऊपर लेके जाएंगे। ये हमारा कैपिटल यू। स्मॉल यू को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लाएंगे, एक कर्व बनाएंगे राइट साइड की तरफ, नीचे आके एक टेल बना देंगे। ये है हमारा स्मॉल यू। तो फिर हम चलेंगे अपनी प्री राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ, और प्री राइटिंग प्रैक्टिस से पहले आप बच्चों की थोड़ी सी वार्म अप एक्टिविटी करवाइएगा, जिसमें बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ यानी हैंड मसल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस होगा। जब आपने इसके ऊपर काम कर लिया हो तो फिर हम चलेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा हवा में लिखता है, अपनी कलाई पे लिखता है, अपनी पार्टनर की बैक पे लिखता है, सैंड ट्रे पे लिखता है और मेज़ पे लिखता है यानी टेबल पे लिखता है। फिर आप बारी बारी बच्चों को बुलाएंगे, बच्चा बोर्ड पे लिखेगा। तो फिर हम चलते हैं अपने जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराम की हुई बुक की तरफ, जहाँ पर आप बच्चे को यू का पेज खुलवा के कैपिटल यू और स्मॉल यू लिखवाएंगे। जब आपने बच्चों के साथ यू की प्रैक्टिस कर ली हो, उनके बारे में बातचीत भी कर ली हो, यू की राइटिंग भी करवा ली हो और आप सेटिस्फाइड हो जाएं बच्चों की कारकर्दगी से, तो फिर हम चलेंगे अपने अगले अल्फाबेट की तरफ, और वो है हमारा अल्फाबेट वी। तो द साउंड ऑफ वी इज व।
सो द साउंड ऑफ वी इज क्या है, नॉट व, बिल्कुल. हम देखते हैं कि हमारे पास बुक के पेज में कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो वी से स्टार्ट होती है. हमारे पास है वी वाज, वी वैन, वी वेजिटेबल्स. जी, इसके बारे में आप बच्चों से बातचीत कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप बच्चों से लीजिए और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आप गूगल से निकालेंगी वो आप बच्चों को इनके बारे में ज़रूर दीजिएगा. आपने इसके बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो और आपने वी की साउंड की प्रैक्टिस भी करवा दी हो, तो फिर हम चलेंगे अपने फ्लैश कार्ड्स की तरफ और वहाँ पर आप बच्चों को ड्रिल कराएंगी साइट वर्ड्स ऑफ न्यू वोकैबुलरी. जब इसके बाद हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ, तो कैपिटल वी को लिखने के लिए हम टॉप से एक स्लांट लाइन नीचे की तरफ बनाएंगे और फिर एक और स्लांट लाइन नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे. ये हमारा कैपिटल वी. स्मॉल वी लिखने के लिए हम सेकंड लाइन से एक स्लांट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, थर्ड लाइन की तरफ आएगी और वहाँ से एक और स्लांट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी जो कि सेकंड लाइन तक जाके स्टॉप हो जाएगी और ये हमारा स्मॉल वी. जी डियर टीचर्स, इसके बाद आप बच्चों से प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं. प्री राइटिंग प्रैक्टिस के बाद बुक का पेज खुलवा के आप कैपिटल वी और स्मॉल वी लिखवाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ.